एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो आज एक बार फिर हम लेकर आए हैं आप सबके लिए बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में हुए इस सीजन के लास्ट नॉमिनेशन टास्क के बारे में कुछ मजेदार बातें जो काफी अलग अंदाज से करवाया गया। तो आइए जानते हैं इस नॉमिनेशन टास्क में हुए कुछ मेजर बातों के बारे में। फर्स्ट, घर वालों ने बोली अपने दिलों की बात। सेकेंडली, क्यों हुए एल्विश डिसअपॉइंट। थर्ड, क्या बिग बॉस के डिसीजंस हैं बायस्ड। फोर्थ, कौन हुआ घर से इविक्ट। तो दोस्तों, फाइनली बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 को मिलने वाला है अपना विनर, जिसको जनता करेगी चूज। सीजन का लास्ट नॉमिनेशन हुआ कुछ यूनिक टास्क से, रूम ऑफ ट्रूथ से, जिसमें घर वालों ने रखी अपने दिलों की बात ऑडियंस के सामने और बताए एक दूसरे को लेकर अपने ओपिनियंस। इस टास्क में बनाई गई 3 टीम्स, मनीषा और एल्विश, पूजा और बेबिका और जिया एंड अभिषेक। टास्क की शुरुआत की गई पूजा और बेबिका की टीम के साथ, जहां बेबिका ने रूम ऑफ ट्रूथ में जाकर घर वालों के बारे में अपने ओपिनियंस बताए। लेकिन इस बार बेबिका ने कर दिया सबको शॉक, क्योंकि हमेशा जहरीली बातें बोलने वाली बेबिका ने इस बार की सबकी तारीफ, स्पेशली अभिषेक से तो बेबिका ने मांगी माफी, अपने बिहेवियर को लेकर माफी। सेकेंड राउंड हुआ जिया और अभिषेक का, जहां घर वालों ने की काफी सारी मस्ती और पूरी कोशिश अभिषेक को डिस्ट्रैक्ट करने की, और मजे की बात तो ये है कि वो इस काम में कामयाब भी रहे। लास्ट राउंड हुआ एल्विश और मनीषा का, जहां मनीषा ने अपने अंदाज में रूम ऑफ ट्रूथ में जाकर अपनी बातों से ऑडियंस का मनोरंजन किया और मस्ती करते हुए ये भी बताया कि एल्विश करते हैं उनसे प्यार। अब टास्क तो हंसते खेलते पूरा हुआ, लेकिन खेल तो था सारा टाइमिंग्स का। तो इस बार टास्क में हो गई पूजा और बेबिका की जीत, जिससे ये दोनों पहुंच गए सीधा टॉप 3 में। और बस इतना ही नहीं, एल्विश, मनीषा और जिया हो चुके थे नॉमिनेट घर से बेघर होने के लिए। अब टास्क तो हो गया पूरा, लेकिन एल्विश नहीं थे खुश इस टास्क के रिजल्ट से, क्योंकि वो 10 मिनट से ये टास्क हार गए। एल्विश इस रिजल्ट से थोड़े परेशान दिखाई दिए, जिसकी वजह से बिग बॉस हो गए थोड़ा नाराज और लगा दी सबकी क्लास। अब घर वाले तो कुछ भी ना बोल सके बिग बॉस के सामने, लेकिन इस टास्क के कारण घर के बाहर काफी गर्म माहौल बन चुका है। बाहर एल्विश और मनीषा के फैंस काफी नाराज हैं इन रिजल्ट्स के कारण। फैंस का ये मानना है कि मेकर्स की ये सारी प्लानिंग है पूजा भट्ट और बेबिका को टॉप 5 में लाने की, और बिग बॉस हमेशा से ही बायस्ड रहे हैं इन दोनों के लिए इनके बैकग्राउंड के कारण। अब चाहे टास्क का रिजल्ट जो भी रहा हो, लेकिन ये बात तो 100% कंफर्म है कि फैंस मेकर्स के इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। बिग बॉस का ये लास्ट एविक्शन है, और थोड़ा सा हटके भी, क्योंकि इनमें वोटिंग्स की बात की जाए तो जिया शंकर और मनीषा रानी के वोट्स काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे और इनके फैंस इनको इक्वली सपोर्ट भी कर रहे थे। लेकिन अब ये तो गेम है, किसी की हार और किसी की जीत तो पक्की है, और इस बार की बाजी रही मनीषा रानी के साथ और जिया शंकर हो गई घर से इविक्ट और बिग बॉस की रेस से बाहर। इसी के साथ ऑडियंस को मिल चुके हैं अपने टॉप 5 फाइनलिस्ट, और बहुत ही जल्दी इनमें से कोई एक कर लेगा बिग बॉस की ट्रॉफी अपने नाम। सो दोस्तों, आज के लिए तो इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन ऐसी ही बिग बॉस की या और दूसरी चटपटी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही साथ हमें कॉमेंट में ये जरूर बताइएगा कि क्या आपको भी लगता है कि बिग बॉस हुए नॉमिनेशन टास्क में biased. Till then, stay tuned. See you soon on your favorite YouTube channel, Classic Peoples.